धक्कड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेद प्रकाश, कैमरामैन रिचा अग्रवाल के साथ। आज हम आपकी एक खास मुलाकात करवा रहे हैं एक शख्सियत के साथ, और उस शख्सियत का नाम है जगजीत लोहट तन्हा। जगजीत लोहट तन्हा एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इनके अनेक उपन्यास अभी मार्केट में हैं, जिनमें से एक को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है और एक नावल पर बहुत बड़ा विवाद भी हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि नावल एक उपन्यासकार की काल्पनिक रचना होती है, हकीकत से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं होता। और आपका हार्दिक धन्यवाद जो आपने मुझे याद किया, धन्यवाद सर। आज जगजीत लोहट तन्हा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जगजीत सिंह लोहट ने अपनी शुरुआत कैसे की थी, कहाँ से की थी, कब की थी? देखिए, मैंने 1991 से शुरू किया था लिखना। पहले मैं कुछ कविताएं वगैरह लिखता था, उसके बाद में 91 से मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया। और उपन्यास लिखने के बाद जो पब्लिश करने की जो नौबत आती आदमी नए लेखक के सामने, वो बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी मेरे को। कहीं भी बहुत धक्के खाए, दिल्ली में मैंने जहाँ पब्लिश मिलती है, नॉवल मिलते हैं, वहाँ बहुत किसी पब्लिशर ने मेरे को मतलब मेरे को साथ नहीं दिया, मेरा किसी ने कुछ नहीं किया, सब पैसों की तरफ चीज़ें हैं, ताकि सब पैसा है वो है। तो उस टाइम 94 की बात है, 1994 की बात है सर, तो बड़ी दिक्कत आई मेरे को नॉवल छुपाने के लिए। तो पहला नावल कौन सा था आपका? उसके बाद मेरा 96 में नावल आया था, एक सफर कांटों का। एक सफर कांटों का, कांटों का, एक सफर कांटों का सर। ये मैंने दिल्ली सादरा में प्रकाशित करवाया था इस नावल को। मैंने काफ़ी पत्र डाले थे, हर पब्लिशर के पास किसी का जवाब नहीं आया, तो उस पब्लिशर का मेरे पास जवाब आया था कि हम आपकी किताब को छापेंगे। तो 96 में मेरा एक सफर कांटों का नावल आया था सर। एक सफर कांटों का, इसमें आपने क्या दर्शाया है, क्या अपनी भावनाएं प्रकट की हैं? दरअसल इसमें मैंने दिखाया था कि एक बड़ा शहर है, शहर का एक छोटा गांव है, कस्बा, वहां का बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ में दिखाया जाता है, मैंने एक बच्चा होता है 15-16 साल का, और उसकी छोटी बहन होती है, कुछ 10-12 साल की होती है। तो बाढ़ में जो गाँव के लोग होते हैं वो सफर भ्रमण करके निकल जाते हैं, इधर उधर अपनी सेफ्टी के लिए कहीं करते हैं, लेकिन वो बेचारे वो होता है टापू भी तरह का होता है, जो पत्थर बाढ़ के बीचों बीच फंसे रहते हैं, कि माँ बाप होते नहीं है, मर जाते हैं माँ बाप उसमें। तो फिर किसी तरह उनको बचा लिया जाता है, तो फिर वो शरणार्थी तंबू लगाए जाते हैं उनमें, वहाँ आ जाते हैं उनको। तो वहाँ कोई जो बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना वगैरह देने के लिए जाते जाते हैं लोग, समाज सेवक, तो वहाँ वो देखते हैं बच्चों को, उनको तरस खा लेते हैं, वो उनके साथ वो बच्चों को दोनों को अपने साथ ले जाते हैं मुंबई, वो मिले जाते हैं, तो वहाँ उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, रहते हैं इसको बच्चे को। तो बस फिर वहाँ से भी वो निकल जाता, किसी भी जगह बच्चा वहाँ से मुखदा से छूट जाता, तो वहाँ बूट पॉलिश करने लग जाता, वहाँ बूट पॉलिश करते 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 अपनी बहन को पढ़ा लेता, अच्छी वो पॉलिश दाखिला दिला देता है। वहाँ फिर वहाँ जाके जो मुंबई के जो गुंडे हैं, वहाँ उनका सामना होता है, कैसे जद्दोजहद करता है जिसकी खिलाफ, वो कहानी है इसके अंदर, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया दर्दनाक स्टोरी है सर। ये आपकी जो नावल है एक सफर कांटों का, ये है एक सफर कांटों का, 1996 में छपता आया था सारे बनाई। तो इसमें कितने पेज हैं और कितने दिन में आपने ये लिखी? इसमें कम लग गए थे 3 साल। 3 साल लगे? 3 साल में नॉवल कंप्लीट हुआ था। वो ये था, कम से कम पेज थे इसके 284 पेज, 284। फिर अगली शुरुआत आपने कौन सी नावल लिखी? इसके बाद मेरा जब मेरा नॉवल पब्लिश हुआ, तो इसका मेरे अंदर मतलब हौसला बढ़ा मेरा, हाँ भी लिखो, लिखना जारी रखना चाहिए मेरे को। तो इसके बाद फिर मैंने लिखा माया संसार। माया संसार, इस माया संसार नावल था, इसका नाम था पहले गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई टाइटल ये था। उसके बाद किसी कारणवश फिर मैंने इसके टाइटल बदलना पड़ा, माया संसार रखा, जो 2003 में प्रकाशित हुआ। माया संसार में मैंने ये जैसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, पुलिस के स्टूडेंट्स वगैरह, उस पर लिखा था, ये जो अपराधी दलदल में स्टूडेंट धस जाते हैं उनके बारे में ये लिखा था नॉवल। अगला नॉवल कौन सा है? उसके बाद 2003 में जो नॉवल आया था, उसके बाद आया था फिर थकते कदम। थकते कदम, इसके बाद आया था ये थकते कदम सर, 2009 में पब्लिश हुआ था।
और इसको हरियाणा सत्यकालीन द्वारा 2012 में अवार्ड दिया गया मेरे को थप्पे कदम श्रेष्ठ कृति पुरस्कार से नवाजा गया मेरे को, जिसमें हरियाणा सत्यकालीन द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री किराया है हिंदी सुन यात्रा और 21,000 दिया गया मेरे को। उसके बाद फिर सर ये आया है मेरे थप्पे कदम के बाद। तो थप्पे कदम पे आपको हरियाणा सरकार की ओर से पुरस्कार मिला तो कैसा महसूस किया आपने उसमें? बड़ा अच्छा गौरव महसूस किया मेरे को, गौरव मिला मेरे को। आज जब आप हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? अच्छी अनुभूति होती है कि ये लगता है कि हाँ बिल्कुल सरकार ने साहित्य पर सम्मान करती है, सम्मान करती है। लेकिन कुछ त्रुटियाँ हैं अभी जो लेखकों को कवि के बीच में वो दूर होनी चाहिए। जैसे राइटर इतनी मेहनत करता है आदमी लग के 2-3 साल से किताब कंप्लीट करता है के बाद पब्लिश करवाने किताब को राइटर को देना पड़ता है और रॉयल्टी नाम की रॉयल्टी उसकी रॉयल्टी मिलती है। सरकार को इसी को कदम आना चाहिए। छठे कदम में आपको बस पास की सुविधा भी हरियाणा सरकार के द्वारा मिली, क्या कभी ऐसा आपके साथ घटना हुई कि आपके पास बस पास है और बस चालकों ने आपसे भेदभाव किया? हाँ, सरकार ने हाल ही में जो प्राइवेट बसों का जो बड़ा बढ़ाया है सरकार ने, प्राइवेट बस को बस के साथ ही चलाई तो हरियाणा वो है पास तो इसमें कुछ कमियाँ हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। लेखक को जो दे रखा है ये सुविधा दे रखी है इसके पास की तो हर प्राइवेट उसमें भी होनी चाहिए। देखो सरकार कभी किसी को कोई टेंडर देती है या कोई अथॉरिटी देती है तो उनको ये हरियाणा सरकार के सभी नियम मानने की बाध्यता होती है, लेकिन जब उनके पास वो अथॉरिटी आ जाती है वो सुविधा आ जाती है तो वो उसको अवॉइड करते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्राइवेट बसों वालों ने अथॉरिटी ली सरकार से परिवहन की, लेकिन वो अथॉरिटी लेते हैं तब तो ये लिख के देते हैं हम सरकार की सारी हिदायतें मानी है, लेकिन उसके बाद फिर दादागिरी दिखाते हैं मानते नहीं, उसमें फिर क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को देख लो इसमें संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। काफी जो राइटर है पत्रकार है उन्होंने शिकायत की थी इस बाबत, वो खबर भी छपे हैं कि ये प्राइवेट बस वालों ने ये वहाँ चाहिए बदतमीजी की है वो बैठे नहीं आ जाता, लेकिन क्या है सरकार खबरें छप जाती है सरकार सुन लेती है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, ये बड़ी दर्दनाक स्थिति है सर की। तो सर थकते कदम के बाद आपके कदम थक गए या फिर जोश आ गया? थके नहीं है, रुके नहीं है, अभी चल रहे हैं। और थकते कदम के बाद मेरा जो उपन्यास आया था अब तक का सबसे बड़ा पुरुष वाला अनुभव है, वो कम से कम 600 पेज का अनुभव है। एक था उनके बारे में आपने जो काम किया है, कौन डायरेक्टर है, कौन सी फिल्म थी, क्या किरदार था? देखिए मैं गया था मुंबई, मुंबई में अपने जो फिल्म डायरेक्टर है नव कुमार राजू जी प्रख्यात फिल्म निर्देशक इंटरनेशनल फिल्म मेकर, अभी हिट फिल्में दी उन्होंने, असिस्टेंट के तौर पर भी रहे हैं और सूर्य प्रजाता के उसमें बैनर भी तले और उन्होंने अपने संयुक्त रूप से फिल्म भी बनाई है, हम सब जो मरते हैं अन्य फिल्में बनाई काफ़ी हिट रही है, चर्चित फिल्म रही है, चोर फिल्म बनाई उन्होंने, तो बहुत ही मैं कह रहा हूँ जो डायरेक्टर अलग तरह के होते हैं उनसे बिल्कुल भी नहीं निकले डायरेक्टर, बहुत अच्छे भाईचारा रहा इनका, छोटे भाई ट्रेन उन्होंने मेरे को रखा और उनके पास रहा हूँ 3-4 दिन तक, तो ये फिल्म बना रहे थे 90 फिल्म बना रहे थे, तो इनसे मिला मुलाकात हुई तो इन्होंने देखा कि आपको एक रोल दे देते हैं छोटा सा कोई, मैं कोई सुना तो बड़ी खुशी की बात थी भाई, बस ये उन्होंने रोल दिया तो चंडीगढ़ शूटिंग थी इसकी, वहाँ चंडीगढ़ से वो लोग हिमाचल प्रदेश वहाँ शूटिंग थी इसकी, वहाँ मैंने इसको टेररिस्ट का रोल लिखा था, इसमें 3 टेररिस्ट मुख्य होते हैं जो बम ब्लास्ट करते हैं मुंबई के अंदर, उन्होंने भी किसान टेररिस्ट था नवकुमार जी ने मुझे मौका दिया था, पहली बार मैंने कैमरे का सामना किया था बड़े कैमरे का। तो पहली बार जब कैमरे का सामना किया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर कोई डर नहीं था, वो नहीं था क्योंकि जो नवकुमार राजू जी है इतने बड़े डायरेक्टर उन्होंने मुझे हौसला दिया था, एक बार उन्होंने हौसला अफजाई किया मेरा तो कैमरे के सामने हर शूट मैंने कोई भी टेक नहीं किया, अच्छा काम किया मैंने जो उनके मुताबिक जो चाव वो दिया। एक हरियाणा में वेब सीरीज भी कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए एक बैनर है हरियाणा में अभी बुरा है अच्छा जो उसके PVRC एंटी कॉमेडी, अच्छा ये बैनर है, ये हरियाणी वेब सीरीज बनाने जा रही है और इसको वेब सीरीज जो इसको निर्देशित करेंगे राजू आलम जी पहले फिल्में बनाई हैं। तो आपका उसमें किरदार क्या रहेगा? देखिए ये जो वेब सीरीज है ये शराबी फैमिली की कहानियाँ चलेंगे
तो जो चार शराबी होती है जो मुख्य किरदार होगा उन्हीं चारों फिल्म उन चार की शराबी में भी एक मुख्य मेहमान में देखते हैं। हम शुरू होती है वेब सीरीज की, हम कामना करते हैं कि अच्छे शीर्ष तक पहुँचे वेब सीरीज। अनेक मुद्दों पर आज हमारी चर्चा हुई साहित्यकार जगजीत लोहट तन्हा जी से।